हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की मेरी रेसिपी है पोटैटो चीज डोनट्स। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने एक पैन। पैन में मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच तेल और थोड़ा जीरा। जीरा मैंने 1 चुटकी डाला है और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च काट ली है। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा भुनेंगे। उसके बाद मैंने लिया है 1 चुटकी भर हल्दी और उसमें डाला है मैंने थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा नमक। इन सबको मैंने मिला लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब लगभग मैंने छोटी टीस्पून लिया है, आधा चम्मच लिया है सब। और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने लिए हैं इसमें 4 बड़े आलू। मैंने ये पहले से उबाल के रख लिए थे। इसमें हम 4 बड़े आलू डालेंगे और इनको अच्छे से मैश करके इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब हमें 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे ही चलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा इसमें मसाला भून जाए थोड़े अच्छे से। तो आलू भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी बेसन। इसमें बेसन भी मिलेगा। और अब बेसन मिल जाने के बाद हम इसे अच्छे से और मिक्स करेंगे। और तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये भून चुका है, तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हम इसे हाथ से थोड़ा मस लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीज। जी हाँ, मैंने पहले से ही चीज ग्रेट करके रख लिया था। आपको अगर ज्यादा चीज पसंद है तो आप इसमें ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने लगभग 1 कटोरी चीज लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे, आलू के अंदर पूरा अच्छे से इसको मैश कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है हमको। और मिक्स करने के बाद इसे हम अलग से रखेंगे। उसके बाद हमने तो मिक्स करने के बाद हम हाथों में थोड़ा तेल लगाएंगे और इनके छोटे छोटे हम गोले लेंगे और गोले बना के इसको बीच में से हम जैसे वड़ा बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसमें से बीच में उंगली डालनी है और इसे हमें डोनट का शेप देना है। तो देखिए हमारा ये डोनट बन चुका है। आप अच्छे से इसे शेप दे देना इसको आप अच्छे से इसे डोनट की शेप दे देना। बस ऐसे ही हमें सारे पोटैटो चीज डोनट बनाने हैं। तो देखिए इसका कितना अच्छा शेप आया है। बस ऐसे ही मैंने सब ये बना के तैयार कर लिए थे। देखिए मैंने सारे पोटैटो चीज डोनट बना लिए हैं। अब मैंने लिया है 1 कटोरी में मैदा। ये मैंने 1/2 कटोरी मैदा लिया है, इसका हम स्लरी बनाएंगे। और मैंने लिया है 1 कटोरी में ब्रेड क्रम्स, ये मैंने पहले से ही पीस के रख लिए थे। इस मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से स्लरी बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कुछ भी स्लम्प नहीं रहना चाहिए। वैसे आपको इसमें मिक्स करना है, अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा पानी भी ले सकते हैं। तो देखिए ये मेरा स्लरी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डोनट्स बनाए हैं वो एक एक करके इसमें डिप करेंगे। अच्छे से इसमें डिप करना है और हमें इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देना है। इसे निकालेंगे और ब्रेड क्रम्ब से इसके कोट कर देंगे। अच्छे से आप इसको इसमें कोट करना, नहीं तो ये तेल में जब हम इसे डालेंगे तो उसके ब्रेड क्रम्ब पूरे निकलने लग जाएंगे। तो आप अच्छे से इसे हाथों से दबा दबा कर इसे कोट कर देना है। ऐसे ही बस हमें सारे डोनट्स तैयार कर लेने हैं। तो कितना प्यारा शेप आया है हमारे पोटैटो चीज डोनट का। तो बस ऐसे ही आप सब तैयार कर लेना। देखिए मैं सब तैयार कर चुकी हूँ। तो बस अब हम इसे करेंगे फ्राई। हमें इसे तेल में तलना है। मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और आप इसे बस इसे अब तलेंगे। आपको इसमें हाई फ्लेम ही रखना है, नहीं तो ये डोनट पिघल के उसमें टूटने लगेंगे। आप इसे हाई फ्लेम में ही तलिएगा तो तभी आपके ये एकदम गोल्डन और क्रिस्पी कलर आएगा, ये टूटेंगे नहीं। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। इसमें गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखिए और बस आराम से इसे तलिए। तो देखिए इसका सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो गया है। बस हम इसे थोड़ा सा पलटेंगे और थोड़ी देर हम इसे रखेंगे और फिर हमारे पोटैटो चीज डोनट तैयार हो जाएंगे। तो कितना सुनहरा कलर आया है हमारा, तो एकदम गोल्डन और क्रिस्प कलर आया है। देखिए हमारे पोटैटो चीज बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैं तो चली इस गर्मा गर्म पोटैटो चीज डोनट का मजा लेने। तो कैसी लगी मेरी ये पोटैटो चीज डोनट की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।